हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, ये कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो राइट आंसर क्या है, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं, 2 sin 75 degree और कोस 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं 75 डिग्री जगह ए रख दूं और इसकी जगह बी रख दूं, तो ये क्या बन गया, 2 sin ए और कोस बी। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे साइड में कुछ फार्मूले लेकर के हैं जो इस चैप्टर में यूज़ हो गए। इन फार्मूलों के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर चाहे तो उनको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये फर्स्ट फार्मूला है। हाँ जी, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, 2 sin cos b इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। हाँ जी, ए की जगह 75 डिग्री है, कोस की जगह 15 डिग्री है, रख दो स्टेटमेंट में फार्मूले वैल रखी, तो साइन 75 प्लस में 15 डिग्री प्लस साइन 75 माइनस के 15 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। इसको सोल्व कर लीजिए, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन 60 की होती है √3/2 होती है। हाँ जी, एलसीएम आ गया 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये क्या है मेरा डी, तो डी क्या आ गया मेरा राइट आंसर है। तो अब मैंने ये फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे साइन 75 डिग्री और कोस 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, मैंने फार्मूले की हेल्प से इसको इसमें चेंज कर लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे साइन 90 की वैल्यू पता है और साइन 60 की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दी तो मेरा डी आ गया राइट आंसर। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, साइन 75 डिग्री मल्टीप्लाई साइन में 15 डिग्री। हाँ जी, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो राइट आंसर क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर मुझे साइन 75 डिग्री और 15 डिग्री की वैल्यू पता होती तो क्वेश्चन ईजिली हो जाता। ठीक है, लेकिन मुझे साइन 75 डिग्री और 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस स्टेटमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये क्या बन गया, अगर मैं इसको ए मानूँ इसको बी मानूँ, तो 2 sin a sin b, ये फार्मूला बन गया। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ इसके ऊपर, आइए फार्मूला अप्लाई कर देता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस के कोस ए प्लस के बी। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 कोस ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 60 डिग्री और माइनस के कोस 90 डिग्री। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, 1/2 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, तो 1/4 क्या है, ए, तो मेरा ए क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास स्टेटमेंट थी वो फार्मूले की फॉर्म में नहीं थी, मैंने फार्मूले की फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ताकि मैं फार्मूला अप्लाई कर सकूँ। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, कोस 45 डिग्री / 2 मल्टीप्लाई कोस 135 डिग्री / 2, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो राइट आंसर क्या है। आइए क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ, कोस 45 डिग्री / 2 और कोस 135 डिग्री / 2। ठीक है दोस्तों, आप इसको ए मान लें, 45 डिग्री / 2 को ए मान लें और 135 डिग्री को बी मान लें, तो ए बाय टू इसको बी मान लें। ठीक है, तो क्या बन गई स्टेटमेंट, कोस ए और कोस बी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, ये फार्मूले 2 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला बन गया 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b का फार्मूला होता है कोस ऑफ ए प्लस बी। हाँ जी, मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, 1/2 जगह भी क्या है 45/2, हाँ जी, कोस ऑफ ए प्लस बी, हाँ जी, ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस के बी, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाँ जी, 1/2 कोस, 2 एलसीएम आ गया यहाँ पे, ये कितने के, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 180, यहाँ पे हो जाएगा 180। ठीक है दोस्तों, प्लस कोस 2 एलसीएम, हाँ जी, 135 में से 145 गए कितने होते हैं, 0, 4 में से 3 गए 9, माइनस के 90/2। ठीक, इसको काट देते हैं तो ये क्या आ गया 90 और ये क्या आ गया 45 डिग्री।
ठीक है, तो क्या बच गया, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 कोस 90 डिग्री प्लस में कोस, ये माइनस के 45 डिग्री। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, कोस और सेकेंट माइनस को खा जाते हैं, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको यहाँ, हाँ जी, तो 1/2, ठीक है दोस्तों, कोस 90 की वैल्यू रखो, तो कोस 90 की वैल्यू कहती है 0 होती है, ठीक। और कोस ऑफ माइनस थीटा कोस माइनस को खा जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोस 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 1/2, हाँ जी। और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2, और ये क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर, और 1/√2 क्या, तो ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री और मल्टीप्लाई साइन 70 डिग्री, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, किन्हीं भी दो वैल्यूज को सोल्व कर लीजिए, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर जो बच गया उसको इसके साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हाँ जी, ये फार्मूला बना सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक, तो ये फार्मूला बन गया 2 sin A sin B, फार्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 एज इट इज़, और 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों। और बाहर साइन 70 डिग्री एज इट इज़, हाँ जी, इसको सोल्व करके क्या आया, 1/2 कोस 50 में से 10 गया माइनस के 40 और माइनस के कोस 60 डिग्री और साइन 70, हाँ जी। कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस माइनस को खा जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 कोस 40 डिग्री, हाँ जी। और कोस 60 की वैल्यू मुझे पता है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है जी, 1/2 और साइन 70 एज इट इज़, हाँ जी। अब साइन 70 के अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 1/2 एज इट इज़ कोस 40 साइन 70 माइनस के 1/2 साइन 70। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला नहीं बन सकता, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है दोस्तों। अब फार्मूला बन गया 2 cos A sin B, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो 2 cos A sin B का फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, जो है वो बार एज इट इज लिख दो, 1/2 2 cos A sin B का फार्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए क्या है 40, ए प्लस बी, हाँ जी, माइनस के साइन ए माइनस बी, और इसके सारे के नीचे क्या है, 2 है, और माइनस के 1/2 ये एज इट इज साइन 70 डिग्री। तो मेरे पास ये बच गया, ये मिटा देता हूँ मैं, हाँ जी, ये चीज़ बच गई अब, ठीक है। इसको ओपन कर लो, 1/2 साइन 70 और 40 कितने होते हैं, 110 डिग्री, ठीक है, माइनस के, हाँ जी, ये कितना हो गया, साइन माइनस के 30, ठीक है, और इसके बटे में सारे के नीचे 2 है, और माइनस के 1/2 साइन 70 डिग्री एज इट इज़, ये आ गया मेरे पास, हाँ जी। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, और 1/2 एज इट इज़, हाँ जी, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, सब में से कॉमन आ गया, तो बाहर 1/2 कॉमन आ गया और 1/2 ऑलरेडी है, तो 1/4 बन गया यहाँ पे, और अंदर क्या बच गया मेरे पास, साइन 110 डिग्री, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस को नहीं खा पाता, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन 30 डिग्री और माइनस के साइन 70 डिग्री, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब साइन 110 डिग्री, साइन 110 डिग्री को मैं साइन 180 माइनस के 70 लिख सकता हूँ, 180 में से 70 के 110 ही आएगा, और प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और साइन 70 एज इट इज़, ठीक। अब इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ जी, 1/4 एज इट इज़, साइन 180 माइनस के थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टेबल याद करवाया था मैंने आपको, साइन 180 माइनस के थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 70 और ये 1/2 एज इट इज़ और माइनस के साइन 70, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ये कट गया,
वन बाय फोर मल्टीप्लाई वन बाय टू तो क्या आ गया 1/8। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते। आप जितनी प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो उतनी ही स्पीड से आप इन टाइप के क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।